जल्द ही हरियाणा और राजस्थान के लोगों को एक नई रेल लाइन परियोजना की सौगात मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SS इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के दादरी से राजस्थान के अलवर के बीच प्रस्तावित रेल लाइन परियोजना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा के दादरी से राजस्थान के अलवर तक बनने वाली नई रेल लाइन से महेंद्रगढ़ व नारनौल के यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर उन्हें इस मार्ग से रेल लाइन का लाभ लेना है तो महेंद्रगढ़ के लोगों को कनीना तथा नारनौल के लोगों को काठुआस जाना होगा। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नई रेल लाइन दादरी से सीधा कनीना और काठुआस होते हुए अलवर तक बिछाई जाएगी, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। सरकार द्वारा इस रेल लाइन परियोजना के लिए 4,251 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 155 किलोमीटर होगी और इस पर 3 जंक्शन, 2 क्रॉसिंग तथा 13 हाल्ट स्टेशन होंगे। इस नई रेल लाइन की सर्वे रिपोर्ट का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ITI के तहत मांगी गई सूचना के आधार पर हुआ है। रेल सुविधाओं के मामले में हमेशा से ही महेंद्रगढ़ उपेक्षित रहा है। हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना जिला होते हुए भी इसके विकास की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। करीब एक दशक पहले वर्ष 2012 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा दक्षिणी हरियाणा के लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से दादरी से वाया महेंद्रगढ़, नारनौल और बहरोड होते हुए अलवर तक नई रेल लाइन बनाने की घोषणा की गई थी। बताया जाता है कि पहली बार वर्ष 2014-15 में इस मार्ग का सर्वे किया गया था। इस रेलवे लाइन के सर्वे रिपोर्ट में दादरी, कनीना और काठुआस को जंक्शन, वहीं ततारपुर और निमराना को क्रॉसिंग दिखाया गया है। इसके अलावा रामनगर, मोड़ी, चिड़िया, बाघोत, रामबास, गुमला, नांगल, जमालपुर, मांढण, शाहजहाँपुर नयागांव, जाट बहरोड, उल्हेरी, रानौत और जिंदौली को हाल्ट दिखाए गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से दमदार जनप्रतिनिधियों ने इस नए रेल मार्ग का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को दिलवाने के लिए इस रेल लाइन को झज्जर से कोसली वाया कनीना और नारनौल होते हुए अलवर तक बनाने को लेकर उच्च स्तर पर प्रयास किए थे। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी इस नई रेल लाइन के शीघ्र दादरी से होते हुए करने की आवाज़ लोकसभा में उठाई थी। अब RTI से मांगी सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि इस मार्ग का सर्वे फाइनल हुआ है, जिसके तहत इस मार्ग को दादरी से कनीना, काठुआस और ततारपुर होते हुए अलवर तक बनाने की बात सामने आई है। इस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर सीधा सा लग रहा है कि महेंद्रगढ़ की उपेक्षा की गई है। दादरी को जोड़ना और महेंद्रगढ़ व नानौल की उपेक्षा से क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि दादरी जिले से महेंद्रगढ़ और नानौल होते हुए अलवर के लिए रेल मार्ग की सुविधा क्षेत्र के लिए अब सपना ही साबित होगी। रेल यात्री महासंघ के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष राम निवास पाटोदा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, GM, प्रदेश के CM, DRM बीकानेर तथा सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जन सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा को एक बड़ा तोहफा देकर पिछड़े इलाकों को विकास के पथ पर उभारने की सोची है। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार इस रेल लाइन को पड़ोस से निकालकर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को रेल लाइन से वंचित रखना चाहती है। रेल लाइन को भी क्षेत्र के बाहर से निकलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा चुप्पी साधना क्षेत्र के भेदभाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही अन्य प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।